हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सलीम खान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने Android मोबाइल पर जो है एक DSLR की कैमरा की तरह भी अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल वीडियो जो है बना सकते हैं, जिससे कि आपका वीडियो ऐसा लगेगा कि पूरा DSLR कैमरा से ही जो है आपने अपना वीडियो को शूट किया है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों काइन मास्टर ओपन कर लीजिए, एमटी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में आप कोई भी बैकग्राउंड इमेज या फिर वीडियो आप लगाना चाहते हैं जो आपने बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं तो उसे आप लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं एक वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ दोस्तों। इसके बाद मैं इस वीडियो का जो है एक इमेज यूज़ करना चाहता हूं, तो ये देख सकते हैं आप, ये एक वीडियो है तो इसका जो है मैं इमेज लेना चाहता हूं, तो इसको क्लिक करके यहां से जो है कैप्चर एंड सेव में क्लिक कर देता हूं और उसके बाद मैं इस वीडियो को मैं डिलीट कर देता हूं और उसके बाद मैं मीडिया ब्राउज़र में जा के उसी कैप्चर इमेज को जो है मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ दोस्तों। इसके बाद मैं इस इमेज पे क्लिक करके यहाँ से जो है क्रॉपिंग के ऑप्शन में जाके दोनों को इक्वल कर देता हूँ और इमेज का लेंथ जो है अपने वीडियो के लेंथ के हिसाब से बढ़ा लेता हूँ दोस्तों। इसके बाद मैं लेयर के ऑप्शन में क्लिक कर लीजिए और उसके बाद मैं एफएक्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो है बेसिक इफेक्ट पर क्लिक कीजिए और जो है गॉसियन ब्लर है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद में दोस्तों इसको जो है पूरे स्क्रीन पर आप फिट कर दीजिए और उसके बाद मैं यहां से सेटिंग पे क्लिक कीजिए और यहां जो है आप ब्लर जो है चाहें बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं अपने हिसाब से, जो जितना ब्लर रखना चाहते हैं बैकग्राउंड में उतना आप रख के सेट कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद में इसका भी जो लेंथ है आप अपने वीडियो के लेंथ के हिसाब से इक्वल कर दीजिए। इसके बाद में दोस्तों आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है और अपना जो एक वीडियो रिकॉर्ड करना है जो आप वीडियो बना रहे हैं उसको आप ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड कीजिए और उसके बाद में उस वीडियो को जो है आप इंपोर्ट कर लीजिए। तो मैंने जो है ये वीडियो रिकॉर्ड किया है ग्रीन स्क्रीन पे, ब्लू स्क्रीन पे मैंने किया है, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो भी मुझे कट क्रॉप करके मुझे सेट करना है उसको मैं कर लेता हूँ दोस्तों। इसके बाद में हम उस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को क्लिक करके इससे हम क्रोमा की ऑप्शन इनेबल कर देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं क्लिक करके यहां से जो है नीचे क्रोमा की का ऑप्शन में जाके क्रोमा की इनेबल कर देता हूं और जो भी अपने हिसाब से सेटिंग करना है वो सेटिंग कर लेता हूं दोस्तों। इसके बाद में आप अपने वीडियो को जो है थोड़ा बहुत अगर कुछ रह गया एक्स्ट्रा पार्ट तो उसको आप क्रॉपिंग की मदद से जो है आप क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा क्रॉपिंग कर लेता हूं, जैसे कि यहां साइड साइड आप थोड़ा सा देख सकते हैं थोड़ा सा रह गया है तो इसको क्रॉप करके एडजस्ट कर लेते हैं और तो हमारा ये जो क्रॉपिंग हो गया है और इसके बाद में इसे स्केल करके हम जहाँ से जितना चाहे रखना चाहते हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह से मैंने जो है अपना वीडियो को जो है एडजस्ट कर लिया है दोस्तों। इसके बाद में फिर से हम लेयर पे क्लिक करेंगे और ड्रॉ के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में यहाँ पेन का मार्क है तो यहाँ से करके यहाँ हम जो बॉक्स ले लेंगे और यहाँ से जो है ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ से स्क्रीन पर जो है हम एक ब्लैक पट्टी, काले कलर का पट्टी जो है ये हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों इस लेयर को, ड्रॉ वाले लेयर को क्लिक करके सिलेक्ट करके उसको जो है स्केल करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे और अपने हिसाब से जो है इसको स्क्रीन में नीचे की तरफ इस तरह से सेट कर देंगे दोस्तों। इसके बाद में ड्रॉ वाले ऑप्शन को जो है अपने वीडियो के लेंथ के हिसाब से जो है उसको लेंथ कर देते हैं और इसके बाद में यहाँ थ्री डॉट वाला ऑप्शन में यहाँ सेलेक्ट करके थ्री डॉट वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करके इसको जो है डुप्लीकेट कर देते हैं और फिर से जो है ड्रॉ वाले ऑप्शन को क्लिक करके इस पट्टी को जो है ऊपर पे भी सेट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा सिनेमैटिक लुक जो है वो हो गया है और अपना वीडियो जो है वो रेडी हो चुका है दोस्तों। आपके वीडियो का क्रोमा की जो है वो आपके हिसाब से करना है तो अच्छे से क्रोमा की कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद में आप अपने वीडियो के शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके अपने वीडियो को शेयर टू गैलरी में सेव कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों मेरा और भी दो चैनल है जो AKS ब्लॉग के नाम पे है और एक है YT सपोर्ट इन हिंदी। तो टोटल जो है मेरा 3 चैनल है, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ फेसबुक पेज यानी फेसबुक का भी लिंक और लिंक है, तो आप जो है ये सारी चीज़ों को भी डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए और मेरे फेसबुक पेज में जो है आप फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए।